एक्सप्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बुल्ली ने तो हेयर बैंड पहना ही है, लेकिन बुल्ले को भी बुल्लियों को देख कितना शौक हुआ कि इसने भी हेयर बैंड पहना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग मुझे बताइए। और आज आप देख रहे होंगे कि हम कहीं और हैं, मतलब स्टेशन पे है। और आज हम हमारे पड़ोस गांव में जा रहे हैं जो कि काफ़ी फेमस है। कपरौली इस गांव का नाम है और उसके आगे भी एक गांव है, वो भी हम कवर करेंगे। वहां पे एक मंदिर भी है। और आजकल कपरौली, जब से मुझे पता चला है कि एक बहुत फेमस वहां का यूट्यूबर भी है, गेम एक्सप्रो, जो कि काफ़ी फेमस हो गया है। 3 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोअर है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। शायद यूके वाले ज़्यादा नहीं जानते होंगे, बाहर के लोग ही ज़्यादा जानते हैं, जो कि बच्चे गेम खेलना पसंद करते हैं, पबजी वगैरह खेलना पसंद करते हैं, वो उसे ज़्यादा जानते होंगे। और ये देखिए बस हमारी तैयार है और मम्मी भी यहाँ पे चाय पी रही है। जो हाँ बेटा, भाई साहब ने कहा बहन चाय पी लो, तो मैंने कहा भाई साहब के यहाँ से चाय पी लेंगे, है ना। और दोस्तों, जब भी आप थली से नाओगे तो आपको वीरू अंकल जी का ढाबा ज़रूर मिलेगा। यहाँ से आप चाय पराठे खा सकते हो और बहुत टेस्टी होते हैं ना। बस से जब आते हो आप, चाय बना रहे अभी दाजी, और दाजी की तैयारियाँ पूरी रहती है हमेशा, है ना। क्या बनाते हैं आप फेमस पराठा? एक तो मैंने पराठा खाया है, हाँ, छोले बनाते हो, चाय, दाल वगैरह सब कुछ, है ना। हाँ वाओ, बस की जगह हमें कार मिल गई है। अरे सुनिएगा, हमें कार बार बार मिल जाती है ना। वी आर लकी, अब ये मिल गया। उसे कहा चलो आंटी जी कार में बैठते हैं, बढ़िया हो गया। कितना बढ़िया दृश्य लग रहा है ना कार में बैठ के। हाँ। सुनो जंगलों का दृश्य। और पहाड़ों में जब भी आप ट्रेवल करें तो गाड़ी में कुछ खट्टी चीजें। और सुनिएगा, जैसे भी मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो ऐसे खाने का मन होता है, खाना नहीं, जैसे अंगूर माल्टे संतरे, खट्टा खट्टा ना, चटपटा चीज, वरना पेट वरना पेट रिंगता है। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं कपरौली गांव। और मैंने बोला था ना कि पहाड़ी जो रास्तों का सफ़र होता है वो बहुत मतलब घुमावदार होता है, तो रास्ते की वीडियो मैं ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि मुझे भी वॉमिट होती है। और यहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा शांति नज़र आ रही है। और यहाँ पे 5-6 दुकानें, मतलब कि हर गांव के एक मार्केट होती है। गांव ऊपर होता है, मार्केट नीचे होती है, जहां पे दुकानें होती है, जहां पे लोग सामान खरीदने आते हैं ना। तो चलिए अब गांव में चलते हैं, गांव में एंट्री लेते हैं, देखते हैं कि कैसा है गांव। लेट्स गो। और ये है कपरौली गांव का सुंदर सा गेट, और ये है मार्केट जो कि काफ़ी शांत इस वक्त नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हमारे भैया हैं जिनसे हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली ऑलरेडी। नमस्ते भैया। नमस्ते। ये आपकी दुकान है? नहीं भाई। अच्छा, भैया की दुकान है ना। हेलो भैया। हाँ जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। कपरौली गांव की विशेषता बताइए हमें। जैसे कि कुछ भी, क्या फेमस है आपके यहाँ? फेमस आलू होता है यहाँ बस। आलू? आलू तो जल्लू का भी फेमस है ना। यहाँ भी आलू फेमस है, आलू चोला ही फेमस है। अच्छा अच्छा। और भैया आप गेम एक्सप्रो को जानते हो? नहीं जानते हो? खेला ही नहीं आज तक। खेला ही नहीं। गेम एक्सप्रो यहीं का, मतलब ये चैनल है किसी का, एक बच्चे का, रवि का जानते हैं। ये जानते हैं ना? हाँ, रवि का जानते हैं। अच्छा अच्छा। उनका घर कहाँ पे? यहीं पे है, बगल में। बगल में ही है तो हाँ दिखा देंगे। और भैया बहुत फेमस है, उन्होंने हमारा मतलब कि उत्तराखंड का एक बच्चा, मतलब इतना अच्छा उसके सब्सक्राइबर हो गए है ना, तो गांव वालों को भी खुशी होती होगी, है ना। सबको पता चलना चाहिए कि वो इसी गांव का है ना। तो रवि कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपके ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, है ना। और ये है भैया की शॉप। भैया यहाँ कमी दुकानें है ना? 4-5 दुकानें। और सामान कहाँ से लाते हो? रामनगर और कोटद्वार से। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है कपरौली गांव का सुंदर सा गेट। मैंने जीवई गांव का भी दिखाया था, तो हर गांव में एक गेट ज़रूर होता है, और हर गांव में कपड़े धोने की जगह होती है, लेकिन ये शुरू में ही दिख गई है मुझे कपड़े धोने की जगह। हेलो दीदी, नमस्कार। कपड़ा धोना चाहिए? पानी नहीं आना चाहिए? या वो नहीं है पंदेरा? हाँ है। आप लोग यहीं से धोते हो कपड़े? हाँ। तो इसमें तो पानी नहीं आ रहा। आपके घर में नल नहीं है? अभी नहीं आया, अब आएगा ना। बोला है कि हर घर में नल में जल आएगा, बल है ना, सरकार की एक थीम है।
पता है आपको इसके बारे में? नहीं पता। हाँ तो पानी आने वाला जब हर जगह, तो आपकी हो सकता है कि पानी की दिक्कत ख़त्म हो। अरे यार मुझे बहुत दुख हो रहा है कि यहाँ पे इतने पानी की कमी, यहाँ कुछ ज़्यादा कमी है कि कपरौली गाँव में पानी की है, तो इसके लिए कुछ बोला नहीं आप लोगों ने? कदिगा बोले यार, तो कपरौली गाँव में पानी आना चाहिए भाई, यहाँ पे बहुत ही पानी की स्थिति ख़राब है, तो इसके लिए काम किया जाना चाहिए। देखिए इनके लिए झुंगोरा बना हुआ है ना, बात आई थी झुंगोरा क्या खिला रहे हैं आपने? झुंगोरा है ना, बात आई किसने? आप लोगों ने पाल रखी मुर्गी? सुनी का बेटा मुर्गियाँ कितनी स्वस्थ लग रही है ना। हाँ यार है ना, कितनी मोटी मोटी झुंगोरा खा रहे बेटा। ये है झंगोरा, मुर्गियों का स्पेशल खाना। कितनी मोटी हो रखी है मुर्गियाँ। हाँ बेटा हेल्दी है ना। वाओ और बिल्कुल स्वस्थ है मुर्गियाँ, तो बड़ा अच्छा लगा है, पर मुर्गी पालन भी हो रहा है। और देखिए कितनी छोटी सी डाली में माल्टे हो रखे हैं, और गांव में जाओगे तो माल्टे ही माल्टे मिलेंगे, यहाँ भी बहुत सारे माल्टे इस गाँव में भी। हाँ बहुत माल्टे हैं बेटा, है ना। हाँ ये माल्टे अब ना मार्च तक तो इतने मीठे हो जाते हैं ना, और गांव में तो बहुत ही इनका वो खाते हैं कचबोली बना के। तो दोस्तों जो ये कपरौली गांव है बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल एक बच्चे के नाम से, जिसका नाम है गेम एक्सप्रो। तो गांव के लोगों को या हमारे आसपास के लोगों को नहीं पता होता है गेमिंग क्या होती है और मतलब ये सब क्या होता है, लेकिन जो लोग देखते होंगे उनको पता होगा कि गेमिंग चैनल होते हैं आजकल यूट्यूब पे, जिसमें कि वो बच्चा धमाल मचा रहा है और उत्तराखंड का है, तो ये हमारे लिए अपने आप में एक गर्व की बात होती है, और उत्तराखंड वालों को भी गर्व महसूस होना चाहिए। और उसी के घर में अभी हम हैं, क्योंकि वो भी हम अभी कपरौली गाँव आए थे, तो हमने सोचा उनसे भी मिलते जाएँ। तो ये है उनके चाचा जी, ये देखो प्रणाम चाचा जी। नमस्ते। तो आप दोनों चाचा जी, दोनों ही चाचा जी हैं कि एक ताऊ जी चाचा है? चाचा ही हैं वो, सबसे बड़े हैं ना उसके पापा रवि के। हाँ तो आपको पता है कि वो क्या करता है? क्योंकि गांव में मैंने जब पूछा तो किसी को पता ही नहीं है, मतलब ना वो हमको तो पता है थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि गेम बच्चे ज्यादा खेलते हैं ना इसीलिए। और पहले बोला जाता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन अब ये गलत साबित हो रहा है कि खेल के भी बच्चे आगे जा सकते हैं ना। हाँ तो रवि आता है गांव कभी कभी? हाँ कभी कभी आता है। आता है बहुत कम आता है मतलब। हाँ आपकी शादी में आया था, आप एल्बम दिखा रहे थे मुझे। हाँ आपकी शादी में आया था, और गांव कभी कभी आता है, तो उसकी वजह से ना इस गांव को और भी ज्यादा जानने लगे हैं लोग। हाँ जी। तो ये बहुत खुशी की बात है ना चाचा जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। वाह यार ताजी ताजी छाछ पी के जाएंगे, गांव में जब आते हैं ना तो इसी का ही मजा है, है ना। है ना दीदी, थैंक यू। दादी कहाँ है? मैं छाछ ले जा। ये दादी, दादी की फोटो, ये बोल दादी। ये थैंक यू। हां ले लो दादी रोड। तो छाछ तो हमने पी लिया, लेकिन पुराने जमाने में छाछ ऐसे छोली जाती थी, अभी भी यहाँ पे देखिए छाछ छोली जा रही है। दीदी छोला ये अभी ये ट्रायल दिखा रही है सोनिका। हाँ? ये तो दीदी हमारे लिए मट्ठा बजा रही है, देखिए यहाँ देखो नीचे छाछ है, तो थोड़ी सी दही मत मट के ना हमारे बना रही दीदी, देखिए मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत छाछ देखो गांव में छोलते रहोगे ना। सनी इधर दिख रहा है ये वाला? हाँ, दिख रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखो ये देखिए ये कर दिया मैंने ना, देख हमारे दीदी ने मट्ठा बना दिए, मुझे ये बहुत पसंद है बेटा। जब मैंने मक्खन निकाले तो एक एक किलो घी बनता था हमारा, एक बार में एक किलो घी, एक बार में एक किलो, मैंने खुद बनाया बेटा, एक बार में एक किलो घी, कभी कभी तो ज्यादा बनता था, लेकिन कभी कभी तो पूरा डिब्बा भर गया एक कटोरी और। हाँ अब थोड़ा गाँव में दूध कम होता है ना। हाँ। दूध तो मैंने दोस्तों, क्या आप भी ऐसे आपके गांव में क्या सिस्टम है छाछ निकालने का हमें जरूर बताना, हमारे गांव में तो ये वाला होता है ना। हाँ एक बार रवि के भाई बहनों को चाची चाचा उनको दिखा रही हूँ, ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये हमारी क्यूट क्यूट, ये हमारी क्यूट क्यूट गर्ल्स है जिन्होंने क्यूट क्यूट हेयर बैंड पहने। तो बहुत अच्छा लगा, आपने हमें अच्छे से बता दिया सब, और ये छाछ छोलने वाला मैंने अपनी वीडियोस में कभी नहीं बताया था, वो भी पता चल गया, पता चल गया ना। यहाँ हमारे गांव की तरह ये इस वाले घर में भी ढपरा है। हाँ। पर हमारे ढपरे के ऊपर पंखा नहीं था। ये हमारी बार्बी डॉल, बार्बी डॉल है ये, बार्बी डॉल कितना अच्छा लग रहा है उसका ड्रेस, है ना। हेलो हेलो
हाँ भैया क्यूटी क्यूटी पाय ये तो क्यूट लग रही है। उस टाइम तो हंस नहीं रही थी, अब हंस रही है ये। भुल्ली ने तो हेयर बैंड पहना ही है, लेकिन भुल्ले को भी भुल्लियों को देख कितना शौक हुआ कि उसने भी हेयर बैंड पहना। वैसे आजकल तो सभी पहनते, कितना क्यूट लग रहा है। मुझे लगा ये भी भुल्ली है, मेरी भुल्ली 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 भुल्ली। देखिए कितना सुंदर परिवार लग रहा है एक साथ। तो आप ऐसे बोलो कि गेम एक्स प्रो को सब्सक्राइब करें। बोलो बोलो गेम एक्स प्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और पूरे उत्तराखंड का बच्चा है क्योंकि उसे उत्तराखंड से भी इतना ही प्यार मिलना चाहिए जितना कि देश भर से मिल रहा है ना। बिल्कुल, मैं भी यही बोलूंगी गांव वालों को कि उसकी भी वीडियो देखा करो, जिसको भी हम पूछ। वैसे तो उसकी ऑलरेडी इतनी बड़ी फैमिली है मतलब यूट्यूब पे, लेकिन हम लोग भी उसे इतना ही प्यार और सपोर्ट करें, है ना। बिल्कुल हाँ। तो ये हैं उसके छोटे 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 भाई बहन, क्यूट क्यूट से। प्रणाम करो रवि भैया को, रवि भैया को प्रणाम करो सबसे पहले। हेलो रवि भैया बोलो। हेलो रवि भैया बोलो, तो बोलो ना। रवि भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। बोल हाजुर। लव यू बोला ऐसे करो। ये सात महीने की बच्ची ये नहीं बोल सकती, ये वाली बच्ची अभी नहीं बोल सकती। और जिंगले में अभी मैं खड़ी हूँ, और जिंगले से कपरोली गांव का बहुत ही सुंदर नज़ारा, माल्टे से लदगत पेड़, बहुत ही प्यारा नज़ारा ये लग रहा है, शांति एकदम। बाय बाय बेबी, बाय बाय। अब हम थोड़ा आगे गांव जाते हैं। बाय बाय। कथी नाती छी तुम्हारा? ये अंग्रेजन लग रही क्यों तीड़ा तेरा मुँह धूलम के लिए दे लेना। मम्मी को ना गांव आके गांव की याद आने लग जाती है। अपनी भंग लगा सी थी नहीं, भंग लगा ये रस्सी बहुत पकी हुई थी, खुद बड़ा था रस्सी इनके 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 देख इनका बड़ी सा रस्सी इनके मले भंगले की जड़ है। हाँ ये भंगले के भंगला ये भांगा था, भांग के बीज दोस्तों जो मैं आपको दिखाती हूँ। रस्सी जैसे लग गया नहीं, रस्सी देखिए रस्सी ऐसे बीज के लिए भी देख। किस चीज के है ये? काकुर तुम इसे कद्दू की जैसी सब्जी होती है ना इनकी। अच्छा ये बीज के लिए रखी है। बहुत सारे माल्टे अगले साल। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे वही दिख रहे माल्टे के, चारों तरफ माल्टे है ना यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे खेती भी कितनी अच्छी होती है ना। बहुत बड़ा क्यारी प्याज लहसुन लगा रखा है ना। यहाँ पे ये क्या कटा हो रहा है? और ये देखो खुम्ब, जिसमें की घास इकट्ठा करके रखते हैं। मैं एक बात कहूँ, यहाँ से व्यू कितना प्यारा आ रहा है ना। अब देख तो आप प्रत्येक गाँव में पहले टावर कहाँ थे, अब ये टावर अभी लगा दे। देखो गांव के खेतों में जब टावर लगती है ना, तो गांव के खेतों वालों को 5,000 रुपए देते हैं महीने का। रहे इससे फायदा होता है ना ये टावर लगा के। हाँ, टावर लगा के फायदा। तो दोस्तों काफी अच्छा नजारा इस गांव से भी आपको दिख सकता है। अगर आप कपरोली गांव के तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। तुम कल जाना दीदी? अरे ये मती क्या रखे तुम? अच्छा भगवती दूध निकाल के टॉर्च भी लिया, अंधेरा ना गुल तो अंधेरा मारना बोला। अच्छा टॉर्च बता, टॉर्च लिखो तुम। मुझे लगा वो माइक है ये बड़ा टॉर्च। वाओ अंधेरे में आ गया ये फोन। अच्छा फोन चुर गया है ना ये बेटा, ये उसका है किसका है बेटा? जियो बड़ा टावर है ना जियो का। ना उधर ना शम दे लगो ब्लू घिरा देता मंदिर तो बहुत मस्त है। हां पिंडिच है। अरे आ तो मैं सुनता हूं हमारे दूर वो बहुत बात है भाई। चल हमारा कूल मैच है ना। चाय चाय भांड भी धरो तुम लाई चाय जो चाय छोटी थेरे खाए। हां ऐसे बच्चा छोटा। अच्छा अच्छा ओ दीदी भी जा दी दीदी। अच्छा दीदी कैसे हो दीदी? बढ़िया यार। क्या कर रहे हो? बस बांझ के ले जा रहे हैं। बांझ के ले जा रहे हो? हाँ। और आजकल गांव में हल भी लग रहा है ना। हाँ। अभी दीदी की सुंदर है, इतना काम। हाँ। क्या है आपकी सुंदरता का राज? बस बांझ काटना और बांझ काटना, आलू लगाना, खेत बाड़ी करना। अच्छा अच्छा आपका मैथ का है ना? अच्छा तो सब कुछ। आपका आपका माइका का है? माइका तो बुंगी
सीनार के साइड से तो हमें सारे काम सीखना चाहिए। सही बात है यार, खेत बाड़ी भी करना चाहिए और बिजनेस, पहाड़ की नारी सब कुछ करे। सही बात, और बिजनेस भी करे। बेटी है ना, बेटी कितने साल की है वो? 10 साल। 10 साल की दीदी की बेटी लग रही हो? बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है ना। बहुत बढ़िया। चलो दीदी आप ऐसे ग्लो करते रहो, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। तो बहुत ही सुंदर गांव है कपरोली, और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कपरोली के लिए, तो हमने बना दिया और बहुत सुंदर लगा। और अब हम जाने वाले हैं मुसेटी, जहाँ पे अंग्रेजों के जमाने के बंगले थे। उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये वीडियो यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। तो दोस्तों बड़ा मज़ा आया, और आप भी ये गाँव जिसके लिए फेमस है, एक तो यहाँ पे बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, ऊपर मंदिर है, और अब गेम एक्सप्रो के नाम से भी ये जाना जाता है। तो आप भी उन्हें सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अब हम चलते हैं आगे मुसेटी गांव में। ओके, तो चले हम अगले गांव मुसेटी की तरफ, जहाँ है अंग्रेज़ों के बंगले। और दोस्तों अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं, कहीं ठहरना चाहते हैं, तो आपके लिए थलीसेन में बहुत सारे लॉज हैं। मैंने वहाँ पर वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ आप घूमने आ सकते हैं और बहुत जगह घूम सकते हैं, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड।